नमस्कार दोस्तों, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड रिक्रूटमेंट ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी वेरियस पोस्ट का ऑनलाइन एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड आउट हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि एडमिट कार्ड को आप किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पर हिंदी या इंग्लिश में मार्क कर दीजिएगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर रोल नंबर फिलअप कर दीजिएगा। यहाँ पर पासवर्ड या डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर दीजिएगा। और जो भी 5 डिजिट का यहाँ पर कैप्चा कोड गिवन होगा, यहाँ फिलअप कर दीजिएगा। लॉगिन में क्लिक कर दीजिएगा। लॉगिन करने के बाद एक पेज ओपन होगा, वहाँ एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन गिवन होगा। वहाँ क्लिक करने के बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। और फ्रेंड्स, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद जो भी गाइडलाइंस गिवन होगा उसको केयरफुली रीड एंड ओबे करना है, फो देट एग्जामिनेशन हॉल में किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। और फ्रेंड्स, अगर आप पासवर्ड को फॉरगोट करना चाहते हैं देन यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। इस तरह का पेज ओपन होगा, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप कर दीजिएगा, यहाँ पर मोबाइल नंबर फिलअप कर दीजिएगा या यहाँ ईमेल आईडी फिलअप कर दीजिएगा। सबमिट में क्लिक कर दीजिएगा। सबमिट में क्लिक करने के बाद पासवर्ड फॉरगोट हो जाएगा। और फ्रेंड्स, आप एडमिट कार्ड को जल्द से जल्द डाउनलोड कर लें, बिकॉज आप एडमिट कार्ड को 12/8/2022 से 3/9/2022 तक ही डाउनलोड कर सकते हैं। सो आप एडमिट कार्ड को जल्द डाउनलोड कर लें। तो चलिए देखते हैं कि एग्जामिनेशन में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। सैंपल पेपर देखते हैं। असिस्टेंट फिनियर टेक्नीशियन कारपेंटर वेल्डर प्लम्बर फिटर टर्नर इलेक्ट्रिशियन को जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि 50 मार्क्स कैरी करेगा। 40 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 25 मार्क्स कैरी करेगा। 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 25 मार्क्स कैरी करेगा। 20 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। डोमेन नॉलेज से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 50 मार्क्स कैरी करेगा और 40 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 150 मार्क्स कैरी करेगा और 120 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। ये एग्जामिनेशन आप इंग्लिश या हिंदी में दे सकते हैं, फिर इंग्लिश के सब्जेक्ट को छोड़ करके इंग्लिश में ही आपको देना होगा। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1/4 का पेनल्टी लगेगा। अब देखते हैं सिंपल पेपर। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल इंटेलिजेंस से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल इंग्लिश लैंग्वेज पे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये है आंसर, आप यहाँ से देख सकते हैं। अब मैं आपको हिंदी में दिखाता हूँ सैंपल पेपर को। ये देखिए हिंदी में समान सटीकता, अंग्रेजी भाषा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको इस वीडियो से हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल लगा हो देन इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं देन फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, बिकॉज जब भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड न्यू नोटिफिकेशन आउट होगा देन सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और फ्रेंड्स देखिए, फ्रेंड्स इस चैनल को ओपन किए हुए 1 ईयर से एबव हो गया है। ये वीडियो रिकॉर्डिंग 2017 मॉडल के फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी कितना चल रहा है, 2022। आप देख सकते हैं कि 5 ईयर का गैप है और 5 ईयर में कितना टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है ये बात आप भी जानते हैं। और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए अच्छा इक्विपमेंट को होना बहुत ज़रूरी है। फॉर फ्रेंड्स इस चैनल को थोड़ा सपोर्ट बनाए रखिए, फॉर देट मैं आपके लिए इससे भी अच्छा कंटेंट ला पाऊँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।